गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल सुपर ग्लॉसी गर्ल। सो गाइज आप ये जो मेकअप लुक देख रहे हैं आज मैं वो मेकअप लुक आपके सामने क्रिएट करूंगी। अगर आप कॉलेज जाते हो या कभी मार्केट जाना है और आपको बिल्कुल हैवी मेकअप बिल्कुल पसंद नहीं तो ये सिंपल सा लाइट सा मेकअप आप कर सकते हो। गाइज आगे बढ़ने से पहले ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर पुराने हैं तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं जो भी नेक्स्ट वीडियो बनाऊं वो आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो गाइज सबसे पहले हम यहाँ लेंगे मॉइस्चराइजर। मैं मॉइस्चराइजर यूज कर रही हूँ निविया सॉफ्ट का और अगर आपके पास निविया नहीं है तो आप कोई सा भी मॉइस्चराइजर जरूर यूज कर सकते हैं। सो गाइस सबसे पहले आप अपनी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज करेंगे। कोई भी मेकअप करने से पहले आपको अपनी स्किन अच्छे से मॉइस्चराइज करनी पड़ेगी। अगर आपके पास ये निविया का सॉफ्ट क्रीम मॉइस्चराइजर नहीं है तो जो भी मॉइस्चराइजर आपको अवेलेबल है आप वो यूज कर सकते हैं। सी गाइस बहुत ही अच्छे से आप मॉइस्चराइज करेंगे। तो गाइस ये हो गया। तो गाइज मैं कॉलेज जाने के लिए या फिर आप कहीं मार्केट जा रहे हो उसके लिए मैं लुक क्रिएट कर रही हूँ तो आप हमेशा सनस्क्रीन जरूर लगाइएगा क्योंकि ये डे मेकअप में आएगा और अगर आप दिन में निकल रहे हैं तो सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। यहाँ मैं यूज कर रही हूँ मामा अर्थ का अल्ट्रा लाइट इंडियन सनस्क्रीन। इसमें है कैरेट सीड एंड टर्मरिक एड। सो गाइज ये मुझे मिला था पर्पल पे फ्री बाय वन गेट वन फ्री ऐसे कुछ ऑफर था। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज मेरे चैनल पे जाके आप जरूर देख लीजिएगा। तो यहाँ मैं लगाती हूँ इसको। तो गाइज यहाँ पे हम लेंगे थोड़ा सा सनस्क्रीन लेंगे और अगर आप बाहर निकल रहे हो तो उसके आधे घंटे पहले ही लगाइएगा, उसके बाद ही आप बाहर निकलिएगा तो ये अच्छे से वर्क करेगा। और आप कोशिश कीजिए ये सनस्क्रीन जो है वो है SPF 50 तो काफी अच्छा होता है। आपको SPF 50 नहीं मिलेगा तो आप SPF 30 भी यूज कर सकते हैं। सी गाइज आपको कुछ भी हैवी नहीं करना है कि आप हैवी कर रहे हो या फिर कुछ भी नहीं करना है गाइज। सी आप देख रहे हो है ना। उसके बाद हम यूज करेंगे फाउंडेशन क्योंकि हम कॉलेज जाते हैं तो हम ज्यादा अमाउंट में फाउंडेशन यूज नहीं कर सकते हैं, ये आप ऑप्शन में रख सकते हैं। तो मैं फाउंडेशन आपको बता रही हूँ ये है मैबेलिन का फिट मी क्योंकि ये मैं अफोर्डेबल चीजें भी बताते जाऊंगी क्योंकि अगर आप कॉलेज गोइंग गर्ल हो आपके पास इतना बजट नहीं होता है जो महंगे होते हैं वो प्रोडक्ट परचेज करें तो ऐसा मैं कोई भी प्रोडक्ट आपको नहीं बताऊंगी, ऐसा बताऊंगी जो अफोर्डेबल भी हो यूज भी कर सकते हो और आसानी से आपको मिल रही जाए। तो गाइस यहाँ मैं यूज कर रही हूँ फिट मी का। अगर आपका थोड़ा डस्की स्किन टोन है तो आप 310 SNB तो आप ये यूज कर सकते हो बट मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगी आप डेली बेसिस पे फाउंडेशन यूज करो, नहीं रिकमेंड करूंगी। तो अगर आप ऑप्शन में रख सकते हो अगर आप करना चाहते हो तो कर लो वरना इसके अलावा मैं आपको अगर डेली में यूज करना है तो आप कंसीलर यूज कीजिए। यहाँ मैं निक्स का कर रही हूँ, ये थोड़ा कॉस्टली है बट ये आपको अगर कोई ऑफर चलेगा गाइस तो आपको बहुत ही सस्ता ये मिल जाएगा और अगर आपके पास इतना बजट ना हो तो आप स्विस ब्यूटी का बाय कर सकते हैं, वो बहुत ही अच्छा बहुत ही अफोर्डेबल होता है। तो गाइस आपको कोई भी फाउंडेशन यूज करने की जरूरत नहीं है, आप ये डायरेक्ट यूज कर सकते हो। सी आप ज्यादा अमाउंट में बिल्कुल मत कीजिएगा, बिल्कुल भी नहीं, हल्का सा क्योंकि यहां मैं हल्का मेकअप कर रही हूं कोई, ठीक है गाइस। ओके तो हमने थोड़ा सा लगा लिया, आपको फाउंडेशन लगाने की जरूरत नहीं है। हम लेंगे ब्यूटी ब्लेंडर और गाइस कभी भी ब्यूटी ब्लेंडर यूज कीजिए तो आप इसको पानी में डिप करके निचोड़ के अच्छे से निचोड़ के फिर आप इसको यूज कीजिए ताकि आपका अच्छे से ब्लेंड हो। सी गाइज आप फाउंडेशन डेली बेसिस पे मैं रिकमेंड नहीं करूंगी कि आप फाउंडेशन डेली बेसिस पे लगाओ क्योंकि आप डेली बेसिस पे फाउंडेशन मत यूज कीजिएगा। अगर आपके पास फाउंडेशन नहीं तो आप बीबी क्रीम यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप ये कंसीलर यूज करिए। मुझे कंसीलर ज्यादा बेटर लगता है तो मैं सिर्फ कंसीलर ही यूज करूंगी यहाँ पे। सी गाइज आप देख रहे होंगे तो ये देख रहे हो आप कितने अच्छे से ब्लेंड हो चुका है। सो गाइस अगर आप नहीं जानते हो कि ब्यूटी ब्लेंडर कहाँ मिलता है तो किसी भी कॉस्मेटिक शॉप पे मिल जाएगा और आप ऑनलाइन भी इसको परचेज कर सकते हैं। सी गाइस आप देख रहे हो ये अच्छे से ब्लेंड हो चुका है जैसा कि आप देख रहे हो। सी इसके बाद यहाँ हम यूज करेंगे सेटिंग स्प्रे। बहुत लोग सोचते बहुत महंगा आता है मैं कैसे परचेज करूंगा, तो यहाँ पे भी मैं आज आपको अफोर्डेबल सेटिंग स्प्रे बताऊंगी, वो है ये स्विस ब्यूटी का। इसका जो प्राइस है वो है 250 के आसपास का। तो यहाँ पे मैं हल्का सा
ज्यादा अमाउंट में बिल्कुल स्प्रे मत कीजिएगा, हल्का सा ही आप स्प्रे कीजिएगा। यहाँ मैं कॉम्पैक्ट लूंगी, कॉम्पैक्ट यहाँ मैं यूज कर रही हूँ पर्पल का। इसमें स्पंज भी मिलता है, आप उससे भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे ब्रश का यूज कर रही हूँ हल्का सा, आप ब्रश में लीजिए, देन इसको डस्ट ऑफ कीजिए एंड हल्का सा लाइट में, बिल्कुल लाइट में इसको आप हल्का सा सी, देख रहे हो ना, बिल्कुल आपको कुछ हैवी नहीं करना है, देख रहे हो आप, हल्का सा लाइट मेकअप करना है आपको, क्योंकि आप कॉलेज जा रहे हो, किसी पार्टी में नहीं जा रहे हो, तो आपको लाइट ही मेकअप करना है। तो यहाँ पे ये हमारा कंप्लीट हो गया। अगर आप आई शेडो यूज करना चाहते हो तो यहाँ पे ये शेड मैं यूज कर रही हूँ न्यूड एले कलर का। तो गाइज यहाँ मैं यूज करूंगी ये शेड गाइज, तो यहाँ मैं हल्का सा ये शेड यूज करूंगी, ठीक है, हल्का सा लाइट सा, बिल्कुल भी डार्क शेडो नहीं यूज करना, एकदम लाइट सा सिंपल सा यूज करना है। सी डस्ट ऑफ करेंगे एंड लाइट सा गाइज, हमेशा अच्छे से ब्लेंड कीजिएगा, एकदम लाइट सा शेड लिया है मैंने। अब एक ही शेड लीजिएगा, सी एकदम नॉर्मल लिया है आपको, बिल्कुल ज्यादा डार्क नहीं लगेगा। तो गाइज यहाँ मैं अब यूज करने वाली हूँ मस्कारा, मैबलिन का है, इस पे भी मैंने अलग से वीडियो बनाया है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है प्लीज वो जाके देख लीजिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलने वाली। तो गाइज यहाँ पे मैं यूज करूंगी सिर्फ मस्कारा, गाइज इसको आप आईब्रो पेंसिल, आप चाहे तो आईब्रो पेंसिल भी यूज कर सकते हैं अगर आईब्रोज के लिए, वरना ये हल्का सा सी एकदम लाइट सा, सी देख रहे हो आपने, एकदम लाइट से, एकदम डार्क मत कीजिएगा, आपको आईब्रो पेंसिल की नीड भी नहीं होगी। गाइज अब हम यहाँ यूज करेंगे ये काजल, मैंने लिया है नायका का काजल, आप किसी भी ब्रांड का काजल ले सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो। तो यहाँ मैं काजल लगा रही हूँ, अगर आप चाहें तो आईलाइनर लगा लें, लेकिन मैं आईलाइनर आज नहीं लगा रही हूँ, स्किप कर रही हूँ, मैं सिर्फ काजल लगा रही हूँ, थोड़ा डिसेंट और सॉफ्ट लुक देगा। देख रहे हो बिल्कुल आईलाइनर नहीं लगा है, सिंपल सा मैंने काजल लगा लिया है, उसके बाद हम लगाएंगे लिपस्टिक। तो गाइज यहाँ मैं यूज कर रही हूँ मैबलिन सेंसेशनल लिक्विड मैट लिपस्टिक। सो गाइज इस पे मैं ऑलरेडी वीडियो बनाई हूँ, अगर आपको इस पे रिव्यूज चाहिए तो वो वीडियो जरूर जाके आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो यहाँ मैं न्यूड शेड की लिपस्टिक लगा रही हूँ, मैंने एकदम न्यूड शेड लिपस्टिक लगाई है, कोई भी डार्क लिपस्टिक नहीं लगाई है। इसके बाद आता है थोड़ा सा चीन गाइज, है ना, आप सोच रहे हैं कि मैंने ब्लशर यूज नहीं किया। तो गाइज यहाँ मैं यूज कर रही हूँ ब्लशर की लिपस्टिक, सेम सेंसेशनल मैबलिन लिपस्टिक है। अगर आपके पास ये लिपस्टिक नहीं है, आपके पास कोई भी रेड कलर की लिपस्टिक है आप यूज कर सकते हो, या बेबी पिंक कलर की लिपस्टिक है आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ मैं हल्का सा सी ऐसे यूज करेंगे, आप हल्का सा ज्यादा बिल्कुल मत लीजिएगा, ये आप देख रहे हो। सो गाइज आपने देखा ये मैंने लिया, और इसके बाद सी ऐसे से करके आपको सी। सो गाइज जैसा आप देख रहे हो, अब मैं लास्ट में यूज करने वाली हूँ ये मेकअप फिक्सर, आप हल्का सा यूज कर सकते,
सो गाइज ये हमारा मेकअप लुक रेडी हो गया है और आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और अगर नए सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और जो बेल है उसको हिट करना मत भूलिएगा ताकि मैं जो भी नेक्स्ट वीडियो बनाऊं वो आप तक आसानी से पहुंच जाए।